नेहा तो मस्त हो गई, नेहा निकल गई। नेहा कहाँ है आप? मैं कह रहा हूँ हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, बता दूँ नेहा? उससे पहले पहुँचा दूँ। कहाँ पहुँचा देगा? हेलो जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो लॉन्ग वीकेंड खत्म हो गया है, आज वर्किंग डे है। मैं जा रहा हूँ मम्मी पापा को पिक करने एंड हाँ हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब? तो यार छुट्टी, अभी भी वीकेंड चल रहा है, तो छुट्टी वाले दिन कोई सवेरे सवेरे तैयार हो जाता है भाई साहब? आप ये बताओ, जाना है तो तैयार तो होना पड़ेगा ना जल्दी। तो मेरे पटके से मिट्टी लगी, मैं काजू खा रहा था उसकी सॉल्ट लग गया। आज स्कूल है ना? आज मैं तो जा रहा हूँ दादाजी को लेने। मतलब फिर हम तैयार क्यों हैं? हम कहीं जा रहे हैं। हाँ। हम कहीं जा रहे हैं जी, मेरे पटके से मिट्टी लग गई ना, मैं काजू खा रहा था तो ये मेरे को याद आ गया, पटके में पानी लगाते लगाते दस्तार पे पानी लगाते लगाते मेरे को किससे याद आ गया, इंडिया में जब हम छोटे होते थे स्कूल में सारा दिन मैं कहता हूँ पानी के प्याऊ पे लोग ना पग ते गिल्ली करते रहते थे। ओहो, पता नहीं पग गिल्ली कर करके ना इतना लोगों ने ऐसे करा है ना, पानी इतना बर्बाद हुआ है ना पगा ते लग लग के, ए लड़ ठीक नहीं थे, ए ठीक नहीं थे, एनू थल्ले खींच ते टाइट कर ते पानी लगा, सारा सारा दिन पानी लगाते रहो। पानी पीने को मिले ना मिले पग को पानी जरूर मिलना चाहिए, ये सिचुएशन थी उस टाइम। और अब देखो, अब हम देखते भी नहीं, जियो जी पग बनी गई निकल गई क्योंकि टाइम ही है नहीं। ये हच का नेटवर्क है तेरा? पहले ना गाइस ऐसा होता था हमारा, मतलब इतना मैं हाथ धोने लगा यार और कुछ नहीं कर रहा, वैक्यूम कर। तो पहले ऐसा हाल होता था गाइस, जब ये छोटी होती थी ना हमारे यहाँ पे टाउन हाउस में ना बालकनी में हमने ना डेक पे वो रखा हुआ था हमारा पूल टेबल, उसमें आइया सारी डॉलों को नहलाती थी, निकालती थी, फिर उसके बाद उनको सुखाती थी उनके कपड़े और उनको। तो फिर क्या होता था, सारी शाम को सूखते थे, सुबह तक सूखते थे, फिर पापा सुबह आते थे डॉलों को कपड़े पहनाते थे। तो जी हाँ जी, हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आपको जाके पता चलेगा, होपफुली वेदर अच्छा रहे जहाँ हम जा रहे हैं, विल नीड अ नाइस वेदर देयर। थोड़ी जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। इट्स अ स्मॉल गेटअवे काइंड ऑफ थिंग, तो ऐसा नहीं है हम कहीं बहुत दूर जा रहे हैं, और ना आइया इतनी इम्प्रेस हुई पड़ी है स्काई ट्रेन से वैनकोवर की, जब से घूम के आया ना आज ना नाक आज बाहर आई है ना आके तो कहती है डैडा कितनी अच्छी बोलते थे ना वो अनाउंसमेंट करते थे ट्रेन में, नेक्स्ट स्टेशन इज जिराज स्ट्रीट, नेक्स्ट स्टेशन इज रॉबसन स्ट्रीट, बस में वैनकोवर जाके बहुत अच्छा इसके लिए कहती है। हाँ कहती है इसको, सो टीचर ने इसको पूछा कि व्हाट डिड यू डू इन द वेकेशन, इसको लिखना है, एंड कहती है डैडा मैं इतना कुछ कैसे लिखूंगा, मेरे पास इतना कुछ है बोलने के लिए कि मैं सरी गया, मैं वैनकूवर गया, मैं शिप पे विक्टोरिया गया, मतलब अमेजिंग। इसको ऐसे ऐसी बातें याद कर रही है कि एयरपोर्ट से हम उतरे और क्या क्या, पूरी इसने मेरे से ट्रिप रिवाइज करी बैठ के। बैग हर कोई बना रहा है भाई, चलो ये देखो अपना बैग बनाया जा रहा है, ये देखो कुछ ब्रेकफास्ट करने लगे हैं एंड देन वी विल स्टार्ट। तैयारी चलती हुई जी जोरों शोरों से, ये है जी तो मेरा आज का लुक। लोग ना मेरे को बड़ा पूछते हैं कि मैं क्या चीज़ कहाँ से लेता हूँ अब मैं, क्योंकि इतना फेमस हो गया हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मैं सब कुछ ब्रांडेड पहनता हूँ। अच्छा, नहीं मेरा मतलब शर्ट मेरी ब्रांडेड है। हाँ। मेरी ये भी ब्रांडेड है, पैंट भी, शर्ट पैंट दोनों मेरी ब्रांडेड है। नया क्या है ब्रांड का नाम जरा हम भी जाने? कॉस्को। अच्छा, लोकल ब्रांड, इतना फेमस ब्रांड है भाई साहब कॉस्को, कहाँ नहीं है कॉस्को। और कॉस्को ऐसी दुकान है जहाँ कपड़े से लेके मैं कहता हूँ खाने पीने के सामान से लेके हर चीज मिलती है, क्या गलत है इसमें? शर्ट कॉस्को की और मेरी कार्गो, सॉरी फोन गिरने वाला था, सॉरी। सो कार्गोज भी जो है ये भी कॉस्को की। बताओ मजाक उड़ाते हैं यार दुनिया मेरी, ऐसे आप मजाक बनाना बंद कीजिए आप। अच्छा? बिल्कुल बंद कीजिए मजाक बनाना। कोई ऐसा ब्रांड है जो हर हर तीसरे बंदे के पास है, ठीक है? अरे हम लेते हैं तो फिर लोग तो ले लेते हैं। और मामा, मेरे को समझ नहीं आती कि एक ड्रेस थी वो, उसका मैंने अभी रेट देखा है $44, ये बस 45 44 बक्स। क्या मतलब उसमें ऐसा क्या था
It's $44. That's a lot of money. You're paying for that, not me. That's so... सब ठीक है नेहा। अब मेरे को ये 10 बार पूछ चुकी है कि ये ठीक है, ये ठीक है। अगर तुम बोलो कि लूज लग रहा है या टाइट लग रहा है तो कि यार मतलब फंस सकते हो आप, मत करना ये। मतलब मैं तो भाग लेता हूँ, मतलब साइड हो जाता हूँ, मतलब तैयार होके निकल लो ताकि मौका ही ना लगे पूछने का। पाजड़ा पै गया क्योंकि दादू आदि आ गए, दादू आदि आ गए। वो देख लो दादू आ रहे हैं, मरने चला गया दादी। वो दादी का तो बहुत सारा सामान है। हेलो, मेरी वॉच मिल गई। सासी काल दादू, सासी काल जी, सासी काल। पूछो मत बस कहाँ से मिली है पापा। दादी जब आप दिक्की, दादू को पढ़ाने को, जब दिक्की हो, कितनी लंबी वॉच निकलती है। तैयारी हो गई है जी, वैन को लोड कर रही है मम्मी। वो देख लो पीछे कवर कर दिया मैंने, आ जाओ आ जाओ, आपके लिए मैंने कवर कर दिया ये ना। ये कोई गेम हो रही है। दादू के लिए आया ने कुछ रखा है डिक्की में। आया डजंट वांट दादू टू सी द डिक्की, यानी ट्रंक। डिक्की बंद कर दूं? ओके, डिक्की बंद करो जल्दी। सारा कुछ आ गया ना? चलो जल्दी जल्दी पहुंच गया। खाना पीना मैट मूड लॉन चेयर सब है। दादू अब खोल लो, आप खोल सकते हैं। दादू अब आइस खोल सकते हैं। अब तो नेहा जी तैयार है, सब तैयार है। ओह, ड्राइवर नहीं आया, ड्राइवर को बुलाया। आज हमने ड्राइवर हायर कर लिया। मैंने कहा यार मैं वीडियो बनानी होती है, दिक्कत होती है। ये ड्राइवर हमें बहुत ही अच्छे प्राइस में मिला है। ऑल ही वांट्स इज सारा दिन घूमना एंड शाम को खाना। तो हमने कहा ठीक है, और ड्राइवर आ गया जी। ड्राइवर हमारे ड्राइवर साहब आ गए हैं। मैंने बता दिया लोगों को कि हमने ड्राइवर हायर कर लिया आज के लिए, बिकॉज फ्री का ड्राइवर पक्का मिलेगा। लो एडवांस ऑस्ट्रेलिया वाली। मम्मी ऑस्ट्रेलिया की कैब कर, पता बेकार लाइसेंस नहीं कर दिया। इंग्लैंड की डालता आज तो, इंग्लैंड बहुत अच्छी पोजीशन में है, मैच जीत रही है। इंग्लैंड की मेरे पास है नहीं, कभी जाऊंगा ना बेटा यूके तो ले जाऊंगा इंग्लैंड की जर्सी। ओके जी, बाय बाय। आई विल वॉच ऑल द मनी हाइस्ट, मनी हाइस्ट। ओके बाय बाय बाय। देख लो जी, जिसके पास बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, वैन इज अ वेरी गुड व्हीकल टू बाय। आप देख सकते हैं थर्ड रो में नेहा एंड आर्या बैठी हैं। ये थर्ड रो है नेहा एंड आर्या, सेकंड रो में मम्मी एंड पापा विद एम्पल स्पेस, एंड देन फर्स्ट रो में हमारे ड्राइवर साहब एंड मी। ओ तेरी ओए, दैट्स ओके, मैं गिरने वाला था। चल पड़े हैं जी सारे। एंड नेहा तेरे को पीछे वो चाहिए? मेरे को ना पीछे एसी आ रहा है पैरों में बहुत। कम करूं? मैंने पैरों पैर यख हो जाने हैं, मैंने पैरों पे किया हुआ है। अब मैंने कम बंद कर दिया, फिर मतलब कम कर दिया। तो मेरे को ये बता, तेरे गॉगल्स वगैरह है नेहा? लाइटें क्यों जल रही है घड़ी, क्या बात हो गई? अरे लाइट अपने आप जल जाती है फिर बंद हो जाती है। कितना कम्फर्टेबल है यार, मम्मी गाड़ी ठीक है चलने में? आराम से बैठे हुए हम, अभी भी दो बंदों की जगह है। दो बंदे नहीं, टेक्निकली दिस इज एन 8-सीटर वैन। ये दिस इज एन 8-सीटर, आ सकते हैं उसमें। मन्नू की वाइफ आ जाएगी ना, मन्नू और मन्नू की जनानी। एक उसकी जगह खाली है, एक बच्चे की भी मम्मी। बीच में बच्चे की या सेंटर में बच्चे की। यार भाई साहब ये ना गाड़ी चलाता है, मेरे को डर बड़ा लगता है, पता नहीं क्यों। आज भी मेरे को डर लगता है मेरे, मैं इसलिए इसको गाड़ी देता नहीं। लेकिन अब क्या करें, लोग मेरी इतनी तारीफ करते हैं ड्राइविंग की सवारियां। आई एम सो स्केर्ड, अब इसके मैं क्या करूं, मैं क्या, देखते हैं क्या होता है। शाम को मनु नेरे आप नेरा पड़ने तक वहाँ आ जाना वापस। नेरा पड़ने तक क्यों, नेरे में साय निकल आते हैं यहाँ। नहीं इसको इसको शाम को 6 बजे के बाद नजर नहीं आता ना कुछ। नहीं गाड़ी तो मन में चलानी है, हमें तो आता नजर है। हम क्यों आए चलते, वो किलोमीटर से नोट कर ले, पता लगे एवरेज कितनी आई है। क्यों जी गल्ला करता है, बड़ा परेशानी हो रही है। मैं कह रहा हूँ पुलिस आ गई। हेलो हाय, पुलिस वाला निकला पास से देख के, जानता होगा मार्को। तू ध्यान से चला यार गाड़ी। अरे पक्का मुझे यार, तू चुप करोगे तो मैं चलाऊंगा ना गाड़ी यार। ना बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ठीक चला रहे हैं। आया क्या स्नैक्स रेडी हो गए हैं? आया इज हैविंग हर फ्रूट, मस्ती हो रही है। आया आराम से बैठी हुई है। अरे मैं तो पक गया हूँ यार इसके साथ बैठ के आगे। पक गया हूँ, पक गया, मैं पक गया हूँ बुजुर्गों के साथ बैठ। बट हम अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। यू आर स्टक विद ईच अदर फॉर लाइफ। शीशे से कपड़ा मार ले।
मैंने तो जॉब ही करते रहना है। मैं ठीक हाँ, जेड़ा बोलता ही नहीं। मैं तो टूर वगैरह पे ही रहूंगा, ट्रिप पे ही रहूंगा। अच्छा कहाँ पे? मैं तो सारा दिन रही हूँ, महसूस होता कि मैं कल्ली का आ रहा। बोलता ही नहीं कुछ भी। मतलब पहाड़ियों के बीच में से निकल रहे हैं, इतना अच्छा नजारा मैं बता भी नहीं सकता आपको। मतलब इतनी आस पास इतनी सोनी सोनी पहाड़ी है। कितने पहाड़ी है? दिख रही है। अरे पीछे रेत रेत लगी वो नहीं ना, सामने सैंड ट्यून्स है ना, पहाड़ी नहीं है वो। आते वो भी यार कमाल है। मम्मी को मम्मी ने जाना है सिर्फ विक्टोरिया, वैंकूवर, बैफ या इधर उधर सस्कैचुअन। क्या पहाड़ी है? बैफ चले, ये देखो, ये देखो समंदर आ गया जी भाई साहब, ओशन कहाँ रहा, ये रहा। सस्कैचुअन में दिखाने के लिए कुछ नहीं है जी, सिर्फ खेत है, इसलिए मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ। बट पिछली बार जब हम निकले थे तो ब्राउन ब्राउन था सब कुछ। हाँ आज ग्रीन है। और ये जहाँ हम जा रहे हैं, 5 साल पहले भी हम आज के दिन यही गए थे, तो हमारा आप ये लगा लो कि हम हर 5 साल बाद कुंभ का मेला होता है ना, जैसे वैसे हम ये करते। नहीं नहीं, ये धाम हम हर साल दो दो बार भी चले आते हैं। नया वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, घूमने की वीडियो तो लंबी होगी। और लोग कहते हैं लंबी पाया करो वीडियो, लंबी पाया करो, 14-20 मिनट तो घट वीडियो नहीं होनी चाहिए। ज्यादा काम करना पड़ता ना, कभी भी कम है, शॉर्टकट चलता है। कोई तो ऐसे तैयार हुए शादी में जा रहे हो। हाईवे देख लो, हाईवे बहुत सोना है हमारा। एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल आ रहा है भाई 12:50, उससे पहले पहुंचा दो। कहाँ पहुंचा देगा? कहाँ पहुंचा देगा भाई? डेस्टिनेशन पे यवराज पे डेस्टिनेशन या यमराज में। चलो शुक्र है विल तो मैंने करी हुई है अपनी, लेकिन विल में जिन जिन के करा है वो तो सारे साथ ही है। तो यार तो हमें एक बंदे की जरूरत है कि हम सारे साथ हो, तो हम किसके नाम पे छोड़ के जाए इस्तेमाल। वो देखो जी पीछे आई है और नेहा बातें कर रही है, कुछ गुपचुप कुछ बातें हो रही है। कल इन्होंने खर्चा बड़ा करा है मॉल में भाई साहब, बहुत ज्यादा खर्चा करा के आई है। उसने हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, मैं कह रहा हूँ हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, बता दूं नेहा। कैसे? अरे आगे से लेफ्ट लेना है ना। आगे से लेफ्ट लेने भाई सब, यही है मोड़। और क्या है मोड़? अभी तो हाईवे पे सीधा हाईवे पे सीधा सीधा चली जा रहे थे, अब मोड़ आ गया, अब मोड़ेंगे। क्या हुआ है? तो मुड़ता नहीं है, चीखी क्यों मार रही है? ये देखो जी टाइम अभी हमें बड़ा है 1 घंटा पहुंचने में। मम्मी ने पूछा पहुंचना ले आ, तो मनु जी कहते हैं आधा घंटा रह गया बस। आप इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े होते? इलेक्शन पॉलिटिशियन का काम ही यही है, जनता को जब बोलो ना सच्चाई जनता नहीं सुनना चाहती, इसलिए जनता को उतनी आधा सच्ची बोलो ताकि जनता भी खुश रहे, हम भी खुश रहे। अभी बोलोगे 1 घंटा रह गया, अजय घंटा भी आया जी तो पहुंचाएंगे, इसे बोला आधा घंटा रह गया, आधे घंटे बाद बस पहुंचने वाले और 10 मिनट पहुंच गए। तरीके होते हैं, ये धोखा होता है, ये जनता से धोखा। तुम पहले बोल दो 1 घंटा लगेगा जी, खत्म बात। जनता वोट नहीं देगी, अगली बार जनता बोलेगी हम नहीं जा रहे, बहुत टाइम लगता पहुँच नहीं। ये जनता हमेशा रहेगी जब मर्जी बोलो। जनता के पास कोई और चारा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई और ऑप्शन हो तो बात है, जनता को तो जाना ही जाना, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 4 लगे। पेड़ों के पत्तों के रंग जो है ना बदलने शुरू हो गए हैं। बड़ा ट्रैफिक आ रहा है यार, वोट ही नहीं हो पा रहा यार। अरे ठंड रख आराम से चला, कोई गल नहीं, हमने नहीं ओवरटेक करना। मनु जी अब हमें ले आए हैं जी जंगलों के बीचों बीच। फिर से मोड़ आ गया जी जिंदगी में ना, आगे जी मोड़ आ गया फिर से हमारा। Continue on Saskatchewan 264 West. मनु जी ना मोड़ थोड़ा मोड़ एंटीसिपेट कर गए कि मोड़ आ गया है, लेकिन बोलेंगे नहीं। मनु जी का ये बात है, वो ये नहीं दिखाते कि किसी में मतलब कोई गड़बड़ हुई है, कोई नहीं, लेकिन हमें बताया जाता है।
हम भी 4 साल बड़े हैं आपसे, यही तो मुसीबत है। ये देख लो जी नजारा, कपड़ा मार पे शीशे से ना। हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ सारी स्नो सी। ये है जी एल्क्रिज रिजॉर्ट जहाँ हम लास्ट टाइम रहे थे। ये देख लो जी एल्क्रिज जा रहे हैं, हम एल्क्रिज के आगे निकल आए हैं। इसका मतलब आपको पता चल गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। एक ट्रिप पे अभी हम पहुंचे नहीं, 20 मिनट है, अगली ट्रिप की बात हो रही है। नेहा का तो ये काम हो गया कि नेहा को लग रहा है कि रिटायरमेंट हम ले लें और सिर्फ घूमें। तो जी टोल का रेट ये है 24 आवर्स के हैं $16 फॉर अ फैमिली, और अगर आप कल्ले हो तो $8 से 790। जंगल के बीचों बीच का रास्ता है और वी हैव टू गो 13 किलोमीटर्स मोर, अबाउट 12 किलोमीटर्स। दादू स्केयर हो रहे हैं। आपका तो फर्स्ट टाइम है, आपका फर्स्ट टाइम। तो आइया कह रही है मैं स्केयर नहीं हूँ क्योंकि मैं तो पहले आ चुकी हूँ और दादू दादी तो पहले आए नहीं, इसलिए दादू स्केयर हो रहे हैं। तो हम लेके आए हैं दादू दादी को। ये देखो जी इतने लोग खा रहे ने बैठ के, फायर पिट वगैरह चला रहे ने, पी वगैरह करना तो ये आ गई। चलो चलो आ जाओ, चलो फिर। किसी को तेज आया तो देख लो, ठीक है ना? मेरे को नहीं आया। ओए क्या हो गया? पहुंच गए हैं जी, ये है हमारी जगह जहाँ पे हम आए हैं। रुको रुको रुको, मैं निकालता हूँ तुम्हें। आ जाओ जी बाहर। तो जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में आप देखना हमने लंच एंजॉय करना है अभी यहाँ बैठ के। वील हैव सम टाइम हियर एंड देन वील गो टू द नेक्स्ट बीच, और वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फोटोज वगैरह होनी स्टार्ट हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे नजारे। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है ये, ड्रोन भी उड़ने वाला है जी। नेहा तो मस्त हो गई, नेहा निकल गई। नेहा कहाँ है? ओ देखो, Stay rock, stay bubbles, stay mama, stay dada, stay bye. Stay aya, stay mama, stay dada, stay bye. Oh, dekho, wo drone ud gaya ji.